आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियों को रवाना कर दिया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग इतनी तेज थी कि एहतियात के तौर पर आसपास के फ्लैट्स में गैस सिलेंडर और लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया और हैरानी इस बात की है कि इलाके में अवैध कबाड़ के गोदामों की बढ़ती संख्याओं पर कोई लगाम नहीं। अभी तकरीबन 10 दिन पहले भी कबाड़ के गोदाम में इसी तरीके से आग लगने का मामला सामने आया। साहिबाबाद में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, इससे पहले भी 10 दिन पहले साहिबाबाद के कबाड़ में आग लग गई थी और कबाड़ के गोदाम में एक बार फिर आग लगने का ये मामला सामने आया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया था, एक बार फिर कबाड़ के गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई, आखिर इस तरीके की कबाड़ के गोदाम साहिबाबाद में गाजियाबाद में पनप कैसे रहे? ये बोपरा का हिंडन यार इलाका है जहाँ पर अवैध कबाड़ के गोदाम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनको रोक नहीं लगा रहा है। इस पर दिन ब दिन 5 से 10 दिन या 15 दिन में सीधे अकेले गोदामों भयंकर आग लगती है, जिससे भारी क्षति होती है, सारा जो माहौल है प्रदूषित हो जाता है। ये जो फायर ब्रिगेड वाले अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, निरंतर चेकिंग की जाती है। अगर बात करें इन गोदामों की, इन गोदामों में कोई फायर एक्सटिंग्यूशर, कोई फायर सेफ्टी, किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी यूज नहीं की जाती। यहाँ पर थोड़ा सा जो जो तारी कटी है इलेक्ट्रिसिटी का, पूरी का भी जरा सा फॉल्ट होता है, यहाँ पे आग लग जाती है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो थोड़ी सी गाड़ी लेते तो आग लग जाती है, गैस को जलाता है तो आग, मतलब कई कारण होते हैं। बिल्कुल, कई कारण है और कई इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके प्रशासन जरा भी इस पर ध्यान देने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आता। तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।